there, this is Priya Raj, student of class 10A, Kendra Vidyalaya, IFFCO, Phulpur, Allahabad. And today I am going to make Arunachal Pradesh tribal mask. So let's get started. सबसे पहले हमने पतले कार्डबोर्ड पर मास्क की डिज़ाइन ड्रॉ कर ली और उसे कट कर लिया है। अब उसे 3D लुक देने के लिए हम न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस लेंगे और उन्हें इस तरह से पेस्ट करेंगे ताकि इन्हें कुछ 3D लुक मिल सके। ऐसा ही हम इनकी आईज, आईब्राउज, ईयर्स और इन डिज़ाइंस पर करेंगे ताकि इसे पूरा 3D लुक मिल सके। तो टेपिंग हो गई है और इसकी नोज़ के लिए मैंने क्या किया है, एक ऐसा पेपर लिया है, उसको ऐसे फोल्ड किया है, फिर उसके बाद ऐसे कट करके उसे ऐसे पेस्ट कर दिया है। तो ये हो गया है। अब हम इसे थोड़ी सी और स्ट्रेंथ देने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे। टिश्यू पेपर को हम लोग ऐसे करके पूरा इस पर ग्लू एंड वाटर का जो पेस्ट होता है उसे करेंगे। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने इस पे टिश्यू पेपर की 4 to 5 लेयर्स लगाई है और 2 दिन तक इसे सूखने के लिए रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत रिजिड हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब इसे और भी अच्छा दिखने के लिए हम इस पे पेंट करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के मास्क के लिए हमें ब्राइट कलर्स की ज़रूरत है। मैंने इसे पेंट कर दिया है और इसे और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इस पर डिज़ाइंस भी बनाई हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल्स और सर्कल्स भी, कुछ डॉट्स बनाए हैं और नोज रिंग और इसके हेड पे। अब हम इसे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ फेदर्स लगाएंगे। तो फेदर कट करने के लिए एक ऐसा पेपर लेना है, फिर उसे हाफ फोल्ड करके उसे एक लीफ के शेप में कट करना है। अब इसे साइड से ऐसे ऐसे स्मॉल कट्स देने हैं। और ये फेदर के जैसे दिखेगा। ऐसे ही मैंने और भी बहुत बनाए हैं, तो अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। और फेदर्स पेस्ट कर दिए हैं मैंने। अब इसके हेयर्स के लिए क्या करना है, ऐसे ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप लेनी है और सीजर से उसे ऐसे करना है ताकि वो कर्ल हो जाए। अब उसे हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। हेयर्स भी पेस्ट कर लिए हैं और अब तैयार है हमारा अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल